हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग बहुत देर से मतलब शुरू कर रही हूँ। मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। घर का काम ऐसे बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं अभी बाज़ार जा रही हूँ। बाज़ार मतलब आज थर्सडे है और हमारा बेटला में तो पहले भी बाप लोग को बोला है थर्सडे और संडे को बाज़ार बैठती है। और ये सब्जी कपड़ा सभी का तो मैं तो आप लोग को दिखाई दिया था ब्लॉग में। हम ना मतलब थर्सडे और संडे में ही सब्जी खरीदता हूँ बाज़ार से। आज हमारा घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी सब्जी वगैरह लेके आऊँगा बाज़ार से। और मतलब घर में भी आता है ये थैला लेके बाज़ार, मतलब कभी कभी हम घर से भी ले लेता है नहीं होने से, घर में ये थैला लेके सब्जी लेके आता है और कभी कभी भी ले लेते हैं हम लोग। ये रास्ता के पास ही है, अभी बाइक चला गया है, उसकी आवाज़ आ रही है हमें, इसलिए थोड़ा टाइम बात नहीं कर रही हूँ। और चलते हैं, अभी मैं बाज़ार जाती हूँ और मेरा मामी जी नहीं जा रही है, मैं और मेरा बेटी ही जा रही हूँ। मेरा मामी जी अभी बैठी है इधर। मामी जी ने आसामीज में बोल दिया, मैंने भी आसामीज में ही बोल दिया। मामी जी बोले ये बाजार जा रही हो, हाथ में बैग लिया कि नहीं लिया, ये तो पॉलिथीन में भरा के देते हैं, ये तो टूट जाएगा, ऐसे ऐसे मामी जी बोलते। और बाजार जब भी जाना थैला लेके ही जाना, ऐसे बोलता है आसामीज से बोला। और मैंने बोला नहीं लिया, बोला ठीक है लेके जाओ, नहीं तो मतलब टूट जाएगा, पॉलिथीन वगैरह बिखर जाएगा, इसे ठेला ले जाने से अच्छा है। अभी मैं ठेला लेके बाज़ार के लिए चलती हूँ। बात मतलब कोशिश हो सका तो मैं आप लोग को कोशिश करूँगी बाज़ार दिखाने के लिए। आप लोग को दिखा ही दिया था, फिर छोटा सा जगह दिखा दूँगी और मिलती हूँ आप लोग से बाद में। गुड इवनिंग। हाँ, मामी जी ने पहले ऐसे हाँ ही बोल दिया, गुड इवनिंग नहीं बोला, इसीलिए आप लोग फिर से आप लोग को गुड इवनिंग बोल रही है। मैं अभी ठेला लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ घर में। आज तो गर्मी ज़्यादा ही है और बाज़ार में इतना लोग है और भी ज़्यादा गर्मी लगा। और मैं घर में आके मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ मैं आप लोग को अभी फीस में रख दिया है, मैं फिर भी आप लोग को दिखा दूँगी। और आजकल तो महंगाई भी है बहुत, सब्जी खाने से आता है मुझे ऐसा लगता है मैं मछली या कुछ भी खरीद लूँ, बहुत महंगाई है आजकल सब्जी। और मैं तो जाने के टाइम में भी रिक्शा ही चला गया और आने के टाइम में मैं सब्जी वगैरह के साथ तो मैं पैदल नहीं आ सकता हूँ, लेके ऐसे ही मैं मतलब रिक्शा में आ गया। पता है क्योंकि मैं पैदल जाना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम मैं मतलब ऐसे ही काम करते ही रहती हूँ, फिर भी मैं देखिए मैं कितना मोटा भी हूँ। और पैदल जाने से सेहत के लिए अच्छा है कि मतलब हम आजकल इतना भीड़ भाड़ है, हमारा जो घर का रोड है मतलब गली बहुत है, मतलब
एरिया बहुत बड़ा है, रास्ता एक है और अंदर इधर इधर बहुत सारा गलियां है और सभी का मतलब पास आजकल गाड़ी बाइक होता ही है और इतना बाइक चलता है और गाड़ी चलता है, ऐसा लगता है पैदल जाने से पीछे मार ही देगा, अभी धक्का ही दे देगा। और ये गाड़ी का पीट पाट ये आवाज़ एकदम सर में दर्द हो जाता है। मैं ऐसे ही कभी कभी मैं पैदल चला जाता हूँ, फिर भी मुझे पैदल जाने से अच्छा नहीं लगता है भीड़ में। और ऐसे दोपहर के टाइम में जाने से मैंने इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है, कम होता है। मैं आज जैसे शाम को साढ़े चार बजे चला गया जाता हूँ, फिर भी हमारा ये रोड में मतलब पूरा बिजी रहता है रोड। और मैं आज रात को क्या बनाऊँ पता नहीं, सोच रहा हूँ इतना गर्मी है, मैं थोड़ा मछली लेके आया हूँ, मछली नहीं पकाऊँगी, दाल और आलू फ्राई कर दूँगी और चावल ही बना दूँगी, क्योंकि हम लोग तो ये असम का जो हमारा जो असमीज लोग तो चावल को ज़्यादा पसंद करता हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ फिर भी चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल तो बनाती ही हूँ रोटी बनाने से भी। और ठीक है, आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ बाजार से। अरे देखिए, मैं अभी सब्जी को मैं फ्रिज में रखा ही गया था, अभी मिनी मेरे पास भी आ गया है, उसको लगा इसमें मछली है, मैं फ्रिज में मछली रखती हूँ इसीलिए। मिनी देखिए मैं फ्रिज में रख दिया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आया हूँ सामान में। ये मैंने मिक्सी लिया है और ये देखिए ये दो ठो मेरा पेड़ हमारा जो पेड़ मिर्ची का है मैं तोड़ के रख दिया हूँ इधर। और ये धनिया का पत्ता लिया है मैंने और ये खीरा लिया है बाजार से और ये खीरा लिया है मैंने, आपको फिर दिखा देती हूँ ये। और ये लहसुना लिया है, मैं पॉलिथीन में ही रखती हूँ, ऐसे रखने से फीस में अच्छा है। और ये भिंडी लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है, गर्मी में फ्रिज में रखना से भी अच्छा मैंने खाने में टेस्टी नहीं लगता, उसको थोड़ा थोड़ा लिया है। बैंगन लिया है मैंने और ये मैंने टमाटर लिया है 1 किलो और ये गाजर और बीन लिया मैंने और ये मैंने नींबू लिया 3 किलो और ये लिया है मैंने 1/2 किलो। ये हम लोग ये आसामी इसमें जीका बोलते हैं, आप लोग हिंदी में या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। और ये लिया है आप लोग को तो देखने से पता चल ही जाता है ये क्या है, हम लोग तो जीका बोलते हैं आसामी इसमें, फिर बोलते हैं हमें। और अभी हम इस सभी को मैं अंदर रख दूंगी फ्रिज में। और एक दो चीज लेके आया हमें, मैं किचन में रख दिया हूँ, अभी मैं आप लोग को वही भी दिखा दूंगी। मैंने लहसुन लेके आया, थोड़ा सा ही लेके आया और ये अदरक और ये मतलब अनियन लेके आया 1 किलो और ये पोटैटो 2 किलो। अनियन का प्राइस है 20 रुपीज 1 किलो में और पोटैटो का प्राइस है 2 किलो में 40 रुपीज, मतलब 20 किलो में 20 रुपीज में मिला है मुझे। और आज बहुत गर्मी है और मैंने पहले ही किचन में आके रैक में रख देती हूँ रख दिया। और अनियन और प्याज और लहसुन भी एक ही दुकान से लिया है इसलिए उसका प्राइस मैंने आप लोग को बोल लिया। और जो सब्जी आप लोग को मैंने दिखाया उसका मैं एक ही दुकान में एक ही साथ ले लिया, इसका प्राइस कितना मुझे नहीं मालूम। और आज मैं मामी जी चाय पी लिया, मैंने नहीं लिया, मैं और मेरा बेटी बाहर खा के ले मतलब कुछ खा के आया मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसे ही खाया, कुछ ज़्यादा नहीं। और देखिए मिनी किचन में मेरे साथ ही रहता है ये, अभी मैं खाना बनाऊंगी। ये बेटी है मिनी, मिमी ये देखिए कैसे देख रही है मुझे मिमी ये और देखिए मुझे कितना पसीना आ गया है और मैं अभी खाना बनाऊंगी। ठीक है, बाद में मिलती हूँ आप लोग से। देखिए दाल को मैं मसूर का दाल बना रही हूँ, अभी उबलने के लिए इधर कुकर में दे दिया और पानी को भी मैं उबलने के लिए रख दिया मतलब और क्या बोल देती हूँ मैं। और ये आलू को मैं
ये ऊपर का जो सिल्का है वो काट कर लिया, अभी मैं उसको काट दूंगी। और एक बात मैं आप लोग को बोलने के लिए भूल ही गया था, मैं ना बाजार से केला लेके आया हूँ। अभी मैं और मैं अभी केला खाऊंगी। मुझे केला खाना बहुत पसंद है और क्योंकि गर्मी में कुछ खाना अच्छा है, मतलब मुझे आम खाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लोग सुनने कहते हंसेगा, और आम को अच्छा नहीं लगता है, सभी को तो आम बहुत पसंद होगा। मेरा बेटी और मैं दोनों को आम नहीं खाऊँ, नहीं खाती हूँ मैं और बेटी, केला खाती हूँ और दूसरा कुछ खाती हूँ। मतलब ये गर्मी में आम तो बहुत मिलता है, सभी को पसंद है, और केला मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं केला खा के और आलू को जो मैं छिलका उतर लिया है, मतलब आलू को जो छिलका को मैंने काट कर लिया है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, और अभी मैं काट करूँगी केला खा के। अभी आलू को फ्राई करने के लिए काट कर रही हूँ, साथ ही मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। वो पढ़ाई कर रही है मेरे पास ही बैठ के, वो कैमरा में आना नहीं चाहती है, उसको शर्म लगता है, और मैं उसको बोल रही हूँ आने के लिए, वो नहीं आता है। और यही पढ़ाई के बारे में ही मैं उसको बोल रही हूँ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और वो ध्यान दे के मेरे बात सुन रही है। और मम्मी मुझे बोल रही है आलू अच्छी तरह से फ्राई करना, उसको आलू फ्राई खाकर अच्छा लगता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा गला खराब है क्योंकि मैं गर्मी में ज़्यादा फ्रिज का पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी पीने से गला खराब हो जाता है, मतलब पूरा ठंडा पानी में फिर से बटल से निकाल कर पूरा पी देती हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गर्मी में राहत तो मिलता है किंतु खाना नहीं, मतलब इतना ठंडा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं है और गले के लिए भी, और मैं जानता हूँ फिर भी मैं खा लेती हूँ और मतलब पी लेती हूँ। पीने से मुझे ठंडा पीने पानी में खाना जब भी खाती हूँ तब भी पी लेती हूँ, और काम कर रही हूँ, मुझे प्यास लगी मैं तो फिर से निकाल के बोतल से पानी पी लेती हूँ, ये अच्छा नहीं है मैं जानता हूँ, फिर भी मैं खा लेती हूँ, मतलब पी लेती हूँ बार बार मैं खा लेती आ रही हूँ, पी लेती हूँ। और आज बहुत गर्मी है, मैं खाना बना दिया, मतलब आज तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, दाल बनाया, चावल बनाया और आलू फ्राई कर दिया, साथ ही में अंडा बॉईल कर दिया, और सिंपल सा खाना रेडी हो गया है। और मैं तो आप लोग को पहली ब्लॉग में बोला ही था, मैं खाना खाने की यानी खाना बना के रख देती हूँ, बाद में खाती हूँ। और गर्मी में वजह से क्या क्या मुँह से निकल गया पता नहीं, मैं फैन भी नहीं चलाया हूँ क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आता है, इसलिए मुंह से क्या क्या निकल गया है। और आज का मैं इतना छोटा सा ब्लॉग बनाया था, और अभी मैं मेरा छोटा सा ब्लॉग एंड करना चाहती हूँ। और आज लोग को मेरा आज का ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।